हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और सब अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप देखिए, सचिवालय सहायक का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, ये 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में था डीवी। आज का हम बताने वाले हैं कि पूरा प्रोसेस कैसा कैसा रहा, आप लोग का अगर डीवी होने वाला है तो कैसे, मतलब क्या लेके जाए, क्या इंतजाम करके जाए, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को कोई समस्या होगी तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट का जवाब हम कमेंट में ही दे दिया करेंगे। देखिए, आप प्रीवियस वीडियो जो डाले थे ना, तो आप ऑडिटर के बारे में पूछ रहे थे, योजना सहायक के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए वो लोग उस सब का वैकेंसी भी है, उस सब का ज्वाइनिंग भी है ना, जल्दी ही करवा लेगा, ज्यादा समय नहीं लेगा। तो चलिए ठीक है, आज के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिये क्या हुआ, पहले आप जाइएगा ना ये सचिवालय सहायक का, तो पुराना सचिवालय सहायक है ना, उसका गेट नंबर 4 के पास एक कृषि भवन है। कृषि भवन के पास में ही एक बिल्डिंग है, उसी में हो रहा था। कृषि भवन के जस्ट सामने में जो भवन है ना, उसी भवन में हो रहा था। तो क्या हुआ कि बाहर में लिखा हुआ है कि चयनित सचिवालय सहायक का सचिवालय भवन में हार्दिक स्वागत है। ये 2-3 जगह मिल जाएगा आपको, और वहां पे कुछ चाय नाश्ता का भी व्यवस्था है। मतलब ये हम लोग के सीनियर के द्वारा ही व्यवस्था किया गया है, बस यही है। और जब वहां जाइएगा ना, तो जब हम लोग पहुंचे तो 1 बज रहा था उस टाइम, बोला गया था कि 1 घंटा पहले पहुंचना है। तो हम लोग इसीलिए कि 3-4 लड़का थे हम, तो इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग, बोलने में अच्छा लगता है। तो हम लोग जब पहुंचे ना, तो फर्स्ट शिफ्ट का सटा हुआ था। क्या सटा हुआ था? वही अनुक्रमांक, अनुक्रमांक के साथ उसका रोल नंबर। अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर और उसका रैंक। रैंक जो है ना, 5, मतलब मेरा जैसे वन मेरा रैंक था 192, फिर उसका रैंक फिर घट के 6-7 घट गया है उसी तरह। क्यों घट गया है? तो ओवरऑल ये रैंक है, मतलब सभी का, योजना सहायक, सचिवालय सहायक, ये मतलब क्या कहते हैं, उद्योग विकास पदाधिकारी, सभी का। अगर अगर कोई पहला पोस्ट चूज किया होगा उद्योग विकास पदाधिकारी तो उसमें चला गया होगा, तो इसलिए मेरा रैंक सचिवालय सहायक में घट गया है। इसी तरह आपका भी, तो वो क्या हुआ, तो वो चिपकाया हुआ था कि ये मेधा क्रमांक, रैंकिंग और अपना रोल नंबर और नाम और डेट ऑफ बर्थ, वो है क्या कि 14 अथी में बटा हुआ है, 14 काउंटर है। मतलब सब काउंटर में सभी को भेजते हैं, तो 14 काउंटर है, और मतलब आसानी से हो जाएगा जल्दी जल्दी, इसीलिए तो 14 भाग में बटा हुआ है रोल नंबर। मतलब काउंटर 1 पे कौन कौन जाएंगे, फिर काउंटर 2 पे कौन कौन जाएंगे, फिर काउंटर 3 पे कौन कौन जाएंगे, सब में लगभग 10 10 10 10 या 11 या 7 8 9 जितना कैंडिडेट है उसके आधार पे था। तो मेरा काउंटर नंबर 9 पे था, तो हम देख लिए थे कि कौन से काउंटर पे है। तो उस टाइम क्या था कि फर्स्ट शिफ्ट का ही सटा हुआ था। तो और क्या हुआ कि कुछ देर बाद लंच का टाइमिंग हो गया, 1 से 3, 1 से 2 कहिए, लेकिन 1 से 3, 1 से 3 वहां का लंच टाइमिंग था। तो हम लोग का शुरू हुआ कब से, 3 बजे से शुरू हुआ। और वो फिर सेकेंड शिफ्ट का भी वही सेम डिफरेंस, सेकेंड शिफ्ट का सेकेंड पाली का आ गया, वो भी सटा हुआ कि क्रमांक, मेधा सीरीज और नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। फिर एक एक करके बुलाया, मतलब पहले क्या किया, एक कैंडिडेट, एक मतलब एक काउंटर से एक कैंडिडेट, फिर दूसरा काउंटर से पहला कैंडिडेट, फिर तीसरा काउंटर से पहला कैंडिडेट, फिर चौथा काउंटर से पहला कैंडिडेट। तो इस तरह है ना, 14 कैंडिडेट को बुलाया, फिर 10 मिनट बाद फिर दूसरा कैंडिडेट को बुलाया, मतलब पहला काउंटर का दूसरा कैंडिडेट, दूसरा काउंटर का दूसरा कैंडिडेट, तीसरा काउंटर का दूसरा कैंडिडेट, चौथा काउंटर का दूसरा कैंडिडेट, इसी तरह 10 10 15 15 मिनट के गैप पे फिर एक लाइन से सबको बुलाया। तो अब जाते हैं अंदर, जैसे मेरा नंबर आया तो हम अंदर गए, तो अंदर जाइएगा ना, पहले आपका होगा फोटो वेरिफिकेशन। फोटो वेरिफिकेशन मतलब आप जब जाइएगा अंदर तो वो आपसे साइन करवाएंगे, फिर एक देंगे बड़ा सा, उसमें आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, वहां पे आप साइन कर दीजिएगा जो भी है, और फिर उसको इस तरह से पकड़ लीजिएगा, मतलब एक हाथ से तो हम पकड़े हुए हैं ट्राइपॉड, तो एक हाथ से इधर, एक हाथ से इधर, दोनों को पकड़ के छाती के पास रखिएगा ना, इसे मतलब ऐसे एक तरह से ऐसे रखिएगा ना, तो वो फिर DSLR कैमरा से फोटो खींचेगा, तो आपका फोटो वेरिफिकेशन होगा, वहां साइन करवा लीजिएगा। फिर आप चले जाइएगा इसमें आयरिस वेरिफिकेशन में, तो वहां फिर आयरिस वेरिफिकेशन आपके, आप अपना डालिएगा क्या
ये मेंस का रोल नंबर डालिएगा तो आपका मेंस का रोल नंबर उनको बताइएगा तो फिर आयरिश वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आयरिश वेरिफिकेशन के बगल में ही सटर सटर एक और चेयर है उस पर फिर जाइएगा तो वहां आपका पीटी और मेंस का जो फोटो था ना उस फोटो का मिलान किया जाएगा। तो याद रखना ये तीनों चीज करवाना है, फोटो वेरिफिकेशन, आयरिश वेरिफिकेशन, उसके साथ में ये तीन चीज होगी। अब आप जाइएगा अंदर, अब आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डरना बिल्कुल नहीं है, जैसे वो बोलते हैं कि शांत रहो कोई टेंशन नहीं लो हम हैं यहाँ पे, वो हम लोग के सीनियर हैं, जैसे हम लोग एएसओ हैं तो वो लोग एसओ हैं सेक्शन ऑफिसर, तो बोल रहे हैं कि टेंशन मतलब कुछ भी हो देख लेंगे। तो अब आते हैं, वो पहले मांगेंगे आपसे दो प्रपत्र जो भरे हैं ना सत्यापन पत्र का वो मांगेंगे, तो वो जस्ट सिंपली चेक कर लेंगे। वो तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल डिटेल था, जो जितना आप जान रहे हैं ना उतना आप भर दीजिए, बाकी नहीं जान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर वो दो प्रपत्र मांगेंगे, फिर मिला लेंगे, फिर आपको वहां है एक पेज और दिया जाएगा सेम प्रपत्र वन, उसमें पूरा डिटेल है, नाम, रोल नंबर, अनुक्रमांक, मेधा क्रमांक, फादर नेम, मदर नेम, आपका फुल एड्रेस, ये सब रहेगा, ये भी भर के उस टाइम जमा कर दीजिएगा। और फिर आपसे वो मांगेंगे एक पूरा सेट, एक पूरा सेट किस चीज का, तो जो आप दिए ना डॉक्यूमेंट एक लाइन से जो था ना पीटी और मेंस का डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 11th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये हो गया। और अगर आप जैसे हम अपने लिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अगर बीसी में आते हैं तो बीसी और ईबीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट, तो हम एनसीएल सर्टिफिकेट सबमिट किए। यूआर में आते हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट, एक आवासीय प्रमाण पत्र, और क्या कि बिहार के लिए, और एक सर्टिफिकेट अगर आप कहीं जॉब में हैं तो आप ओबीसी मतलब एनओसी सबमिट कीजिएगा। तो जब हम गए थे ना तो उस टाइम तक मेरा एनओसी नहीं बना हुआ था, लेकिन वहां से DHNAD से कॉल आया था कि आपका आज एनओसी बन जाएगा, तो ऑलमोस्ट शाम होते होते वो भेज दिए, तो हम फिर सबमिट कर दिए। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो वो जो आप एनओसी के लिए लेटर वहां दिए होंगे ना कि मतलब रिसीविंग एनओसी, आप जहां भी काम कर रहे हैं उस लेटर से भी काम हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, यहाँ मतलब ये सब वेरीफाइड कर लिए। अब आते हैं कि अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे ठीक है आप बाबू मिलाओ, क्या मिलाओ, तो जो जो आप दिए ना पहले वो मिलान कर लेंगे, आप जो दीजिएगा ना जीरोक्स, वो जीरोक्स का मिलान कर लेंगे आपके, वो बिहार एसएससी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके डॉक्यूमेंट से सब पूरा चेक कर लेंगे। फिर आपको बोलेंगे कि एक लाइन से सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाओ हमको कि क्या क्या है, तो आप पीटी और मेंस का दिखाइएगा, 10th का, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर आप अगर किसी कम्युनिटी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट दिखाइएगा, फिर आवासीय है तो आवासीय का सर्टिफिकेट दिखाइएगा, फिर ओबीसी सॉरी एनओसी का सर्टिफिकेट दिखाइएगा। ये आपका क्रम पूरा हो गया, वो भी लिख लेंगे, बस ऐसे नॉर्मल ये वेरिफिकेशन है, कुछ खास नहीं है। और ये अब तो आप लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आ गए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है ना कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वेरिफिकेशन इसलिए रह ले रहा है क्योंकि उसके पास भी तो एक डिटेल रहना चाहिए ना कि क्या हो रहा है। वहां से भी आप ओके हो जाइएगा तो आप बाहर निकल जाइएगा, बाहर निकलिए, चलिए आपका डे भी समाप्त हो जाएगा। चलिए इसी तरह आज का आपका पहला दिन खत्म, मेरा मतलब मेरा अनुभव ये रहा। अगर आप लोग को भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब हम देंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।